तो ये रही पवन भाई की नई साइकिल। पवन भाई कब लाए साइकिल? रुक तो जाओ यार, रुक तो जाओ। कब लाए? आज नहीं खरीद के लाए? नहीं, हाँ नहीं खरीद। कितने की पड़ी है? तो हे गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो अभी हो चुका है काफ़ी ज़्यादा टाइम, मतलब हम काफ़ी लेट हो गए आज लाइब्रेरी के लिए। लाइब्रेरी तो बहुत पहले खुल चुकी थी। कहाँ जा रहे हो गोलू? कहाँ जा रहा? घर। तो अभी हम चलते हैं, लाइब्रेरी की तरफ। आज घर में थोड़े बहुत मेहमान आ गए थे तो हम थोड़ा लेट हो गए, काफ़ी लेट हो गए। मतलब अभी चलते हैं लाइब्रेरी में, बच्चे बैठ रखे हैं, मोहित वगैरह आ रखे हैं, मोहित और रघु बच्चों को इंगेज करा रहे हैं। तो लेट सी क्या चल रहा है, देखते हैं। और विशाल कैसे हो? कैसे हो आज? बहुत दिनों बाद आए, कहाँ थे आप? हैं कहाँ थे? कहीं तो गए थे। राखी बेच रहे? राख। अच्छा, काम पे थे। और बाबू कैसे हो आप? डैन बढ़िया। तो यहाँ वो दो बच्चे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं और आज विशाल आए काफी दिनों बाद लाइब्रेरी में, वो नंदी भी आई है। और रघु यहाँ से बच्चों को ताक रहे हैं बस। और यहाँ पे दो बच्चे को इस हिसाब से बैठ रखे हैं कर रहा है कोई तो। और यहाँ पर मोहित बच्चों को कहानी वगैरह सुना रहे हैं, सारे बच्चों को इंगेज कर रखा है, काफी अच्छी बात है। बिल्कुल पानी लग जाता मुंह पे, ब्राह्मण को समझ में तो आता है, सामने चुड़ैल है कैसे बचा जाए। कहती है इसमें थोड़े डाल देती हूँ आप किशमिश, हाय हाय गर्मा गर्म। तो बैकग्राउंड में बच्चों की आवाज के अलावा बहुत बुरी तरह वो पीछे जनरेटर चल रहा है, उसकी आवाज आ रही होगी, उसके कारण ब्लॉग में काफी डिस्टरबेंस पैदा हो रहा है। और तो आज कुछ ऐसा खास हो नहीं रहा लाइब्रेरी में, ऐसे ही बस बच्चे आ रखे हैं कुछ बहुत और बैठ रखे हैं आपस में। और शेखर कहाँ जा रहे हो? तो आज ये बच्चे लाइब्रेरी आए नहीं। पवन सबसे पड़ोसी हो के लाइब्रेरी नहीं आते कभी। ये गुरलाल कभी, ये वो चुप कह रहे हैं, ये मैं ब्लॉग में अपलोड करूंगा पक्की बात है। मैं गया था मामा के यहाँ, गया था। अच्छा, मामा के यहाँ गए थे तभी नहीं आ रहे। और हमारे ऊपर भी दो तीन भाई लोग हैं, वो लाइब्रेरी आने के बजाय ऊपर पता नहीं फोन में क्या कर रहे हैं। ये देखो, इन दोनों को देखो गौर से, दोनों ऊपर चढ़ रखे हैं और अनमोल फोन में लग रखे हैं। अनमोल क्या हुआ? अनमोल तो ये मुझे यहाँ से भगाने की बात कर रहे हैं, पर मैं भागूंगा नहीं। मैं यहाँ से अंदर से ऊपर जाता हूँ इन लोगों के पास और इनसे मिल के आता हूँ। चक्कर क्या है? आगे। तो ये रहे ये दोनों और मेरे आते ही भाग गए अनमोल। फोन में ऐसी कौन सी बात चल रही है नीरज? बात चलती रहती है भाई। क्या बात चल रही है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। कुछ तो गड़बड़ है। नहीं तो ये बहुत परेशान है सुबह से नीरज। और वो जो पीछे आपको दिखा कहाँ गया? चले गया। यहाँ बच्चे बहुत, मतलब नीरज बहुत परेशान है और अनमोल भी फोन लेके भागने में। तो लेट्स सी, ये देखो इसको देख यार। अब देखो इधर आ गई है। तो ये अनमोल कुछ इस तरह से भाग रहे हैं हमसे, कुछ तो गड़बड़ है दया। हमें पता लगाना पड़ेगा आखिर क्या चक्कर है, फोन में ऐसा कौन सा राज छिपा है। ये फोन लेके भागे जा रहे हैं और सुबह से फोन लेके खड़े हैं। ऐसा लग रहा है जैसे इसकी सीआईडी की टीम हो, ये उसके SCP-51 है, ऐसे बोल रहे हैं। दया कुछ तो पता लगाना पड़ेगा। तो चक्कर क्या है, सब पूरी पब्लिक को बताओ क्या चक्कर है। बस चक्कर कुछ नहीं है। हाँ? अपना फोन में कुछ हम देख रहे हैं। फोन में देख नहीं रहे, किसी से इनकी चैटिंग चल रही है और पता नहीं क्या चैटिंग चल रही है। वो चैटिंग स्पेशल वाली भी तो हो सकती ना, है। कुछ तो गड़बड़ नहीं, अभी ये थोड़ी देर पहले हमारे फोन लेके भाग गए थे इसलिए हम, इनने हमारी चैटिंग देख ली है। हालांकि हम कोई गलत चैटिंग नहीं कर रहे हैं। नहीं, बहुत गलत सॉल्व कर रहे हैं। हम किसी केस को सॉल्व कर रहे हैं ये। अच्छा। खाली बस आप लोगों से हमारी शिकायत जैसी लगा रहे हैं। हाँ। यहाँ पे कहानी सुननी है, लाइब्रेरी का गाना गाएंगे, उसके बाद सुनेंगे। और किस किस को गेम खेलना है? गेम भी नहीं खेलना, तुम्हें ही खेलना है बस। अकेले क्या खेलोगी तुम? सुन ले मेरी बात, सुन लो पहले मेरी बात। तो ये दोनों बेचारे परेशान हो गए हैं, ऊपर छत में जाके अभी भी लगे पड़े हैं। मैं लाइब्रेरी ग्राउंड से यहाँ से शूट कर रहा हूँ इन्हें। कुछ तो गड़बड़ है, बता नहीं रहे ये दोनों, पर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। और यहाँ पे इस तरह से बच्चे बैठ रखे हैं, कौन से भैया डांटते हैं? रघु भैया। अच्छा, मैं डांटता हूँ भाई। आपकी शिकायत आ रही है रघु भाई?
कंट्रोल योर इमोशंस। अच्छे के लिए डांट रहे हैं या गुरु को बेकार डांट रहे हैं? हां वैसे तो सही कहा, गलती में कुछ डांटा होगा आपने, पता नहीं उनको क्या हुआ, उनकी मम्मी भी जाने नहीं दे रही थी उनको। तो यहाँ पे रघु एक्सक्यूज देते हुए कहते हैं कि वो जो रघु भैया वो हमें गेम खिलाते थे, थोड़े दिनों बाद उन्होंने हमें खिलाया नहीं गेम। कौन कह रहा था? सिमरत। वो अब खिलाते नहीं है कुछ, करते संगीता क्यों नहीं आ रही है? संगीता तू तो बता सकती हो, अरे अभी रुको ना, किताब किसी को मैं कुछ पूछ रहा हूँ यार। तो यहाँ पर मोहित बच्चों से ये जानकारी ले रहे हैं कि अधिकतर बच्चे लाइब्रेरी के गायब हो गए, तो रीज़न क्या है लाइब्रेरी में ना आने का? और बच्चे बता रहे हैं कि कोई बच्चा बोलता है हमें गेम्स नहीं खिलाते, कोई बच्चा बोलता है हमें डांट देते हैं, तो इसलिए लाइब्रेरी नहीं आते। तो देखो क्या सोल्यूशन निकालते हैं हम लोग, लेट्स सी। पवन भाई की नई साइकिल। पवन भाई कब लाए साइकिल? रुक तो जाओ यार, रुक तो जाओ, कब लाए? आज। नहीं खरीद के लाए? नहीं, हाँ नहीं खरीद। कितने की पड़ी है ये? 16,500 की। भाई साहब इसके टायर देखो आप लोग, ये देखो मैं यार बाइक से मोटे तो इसके टायर लग रहे हैं, एक बार मैं दिखा देता हूँ व्लॉग में। काफ़ी अच्छी साइकिल है आपकी, और थैंक यू तो बोल दो मैं। और आज ही पवन भाई नई साइकिल लाए और आज ही इन्होंने ब्रेक तोड़ दी इसकी। वैसे चला ले रहे हो इतनी तगड़ी साइकिल आप? पवन भाई हैं तो छोटे से और साइकिल इतनी बड़ी लिए घूम रहे हैं ये, क्या कहना है इनका। चलो पवन भाई मिलते हैं फिर। हाँ तो अभी यहाँ चल लिया चुपचाप, क्या उनसी पार्टी, मोमो पार्टी। तो शेखर ने मोमो मंगाए थे पर शेखर तो कहीं चले गया, तो अभी पवन और मैं हैं, अपने दोनों बैठते हैं और दबा के खाते हैं। बाहर लाइब्रेरी चल रही है और अंदर अपने दोनों का ये चल रहा है। चलो कौन जल्दी जल्दी खोलो, इंतजार नहीं होता, तड़प ही ऐसी है। हाय हाय मज़ा आएगा, खोलो खोलो खोलो। तो गाइस खाते खाते हो गए हम काफ़ी लेट और सारे लाइब्रेरी के बच्चे जा चुके हैं घर, और मेरे पेट में हो रहा है बहुत बुरी तरह दर्द। शायद ऑनलाइन मोमो वाले ने कुछ घपला करके दिया था मोमो में, हल्का पेन जैसा हो रहा है। 100 रुपये के मोमो खा गए हम लोग अकेले। तो आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं कल आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। होप आपको लोगों को ये ब्लॉग पसंद आए, ब्लॉग पसंद आए तो ब्लॉग को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।